जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस, हरियाणा जीके, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही अच्छे लेवल के और यूनिक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए आप लोग, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय टीम का दर्जा मिला है? नेपाल, कनाडा, हांगकांग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए है आपका, नेपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस खाड़ी देश से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों की मेजबानी करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? पाकिस्तान, इराक, कुवैत, ओमान। ऑप्शन जो बी है आपका, इराक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर क्लीन अप ड्राइव की शुरुआत की है? नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान। ए वाला जो ऑप्शन है आपका, नेपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गैस, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? यूनानी, हिंद, यवन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गैस। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में संसद किन से मिलकर निर्मित होती है? निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। गैस, अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। इन्हें कहते हैं शब्द ध्वनियां। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन जो बी है आपका, न्यूजीलैंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्विधारी संख्याएं होती हैं, द्विधारी संख्याएं होती हैं। ऑप्शन जो बी है आपका, 0 से 1, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तालाब वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शून्य रेखा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन, पीवीसी, टंगस्टन, कार्बन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका, टेफ्लॉन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जीएसटी कर प्रणाली कब लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप लोग की कॉपी पर। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, कलपक्कम, मुंबई। ऑप्शन जो बी है आपका, बेंगलुरु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली से विजयनगर, दिल्ली से मदुरै, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से जौनपुर। दिल्ली से देवगिरी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नीकृत प्रदूषक नहीं है, प्लास्टिक, कागज, सीसा, रेडियो, सक्रिय तत्व। कागज, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका पोलियो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लीजिए, फ्री फिंस की सरकार के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन की, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9, 5, 7, 11, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायमंड एक अपरूप है, डायमंड एक अपरूप है कार्बन का, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है, यकृत के द्वारा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 563 ईस्वी पूर्व, नोट कर लीजिए कॉपी पर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है, चेचक, खसरा, हिस्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका हिस्टीरिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुपरनोवा एक क्या है, सुपरनोवा क्या है, एक मणाशन तारा है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, सूर्य, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर, मिस्र में स्वेज नहर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वेडिश वैज्ञानिक का नाम क्या है, एल्फर्ट वर्नाड नोबल, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी है, उत्तर प्रदेश, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी से जानी जाती है, दामोदर नदी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खरीफ फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, जून के महीने में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस कॉपी पर, महाराष्ट्र, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल 6 हैं, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमजद अली खान ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं सरोद से, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, हॉकी से, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुली शब्द का संबंध किससे है, ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये हॉकी से है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है, भारत के उपराष्ट्रपति को, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था,
शाहजहां ने, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वंदे मातरम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वंदे मातरम के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, इसे योजना में, ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसवोपरांत 5,000 की एक मुक्त राशि प्रदान की जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। देवी रूपक योजना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है, ऑप्शन सी जो है आपका हेपेटाइटिस सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है, थानेसर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्याम जी का मेला, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं, पैर के पंजे में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इब्राहिम खान का मकबरा ये कहाँ पर अवस्थित है, इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में स्थित है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है, कैथल में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, खेड़ा नृत्य, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग हैं, दीपचंद, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लौंग प्राप्त होती है, लौंग प्राप्त होते हैं पुष्प कली से, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तमिलनाडु, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एकमात्र देश चुकंदर से चीनी तैयार करता है, चुकंदर से चीनी तैयार करता है, तो यूक्रेन देश, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मछली पालन का योगदान देश की कृषि जीडीपी में कितना प्रतिशत है, 5.08%, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, स्टार्ट पर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल पैनल, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक एक पहलू कहलाता है, बफरिंग कहलाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड प्रतियां इसमें प्राप्त की जा सकती हैं, हार्ड प्रतियां, प्रिंटर, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है, गेटवे, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एचआर किसके लिए है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूल। ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है, ओआरजी का संबंध संगठन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ का, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। नॉर गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, एकल ट्रांजिस्टर, तो ए डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है हाइबर नेट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होगा? चैन की बंसी बजाना, मौज करना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या अनुरागी चित की गति समझ नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग ज्यों ज्यों उज्जवल होए। प्रश्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। श्री गुरु चरण सरोज रज नज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका दोहा छंद। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,